हेलो स्टूडेंट, तो अब हम जानने वाले हैं ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो ट्रैक्टिव इफेक्ट होता क्या है, पहले बेसिकली हम उसको समझ लेते हैं और हमें क्यों इसकी जरूरत है, क्यों हमें जानना है। तो क्या होता है कि जब रेल चलती है तो अगर आपको किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर इफेक्टिवली कोई भी चीज को ज्यादा अच्छे से वर्क अप करती है जब वो इक्विलिब्रियम में हो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो ये अच्छे से वर्क कर पाएगी क्या? क्या ट्रेन अपनी रेल्स पे चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम लोग ट्रैक्टिव जो एफर्ट्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रैक्टिव इफेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टिव इफेक्ट, अगर यहाँ पे कोई ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन चल रही है तो इसमें बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे। तो ट्रैक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डीएलएम्बर्ग की थ्योरी को बेस बना करके चलें तो वो क्या कहते हैं, डीएलएम्बर्ग कहते हैं कि जितने भी फोर्स का समेशन अगर आप ले रहे हो तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है हमारी ट्रेन स्टेबल है या हमारे व्हीकल स्टेबल है, वो कब स्टेबल रहेंगे? जब आपका टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाए? अगर जीरो के बराबर हो जाए, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा आपके व्हीकल पे, ट्रेन पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसी कंडीशन कैसे आएगी और कौन कौन से फोर्स हमारी ट्रेन पे लगते हैं हम वो समझते हैं, है ना? तो अगर हम जनरली बात करें कि हमारी ये एक ट्रेन है, एक ग्रेडियंट लेके चल रही हूँ जिसमें आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए, तो ये जो हमारी ट्रेन है ये इस तरीके से मूव कर रही है ग्रेडियंट पे। अगर हमारी ट्रेन इस तरीके से मूव कर रही है ग्रेडियंट पे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? सबसे पहले डाउनवर्ड में तो इसका फोर्स लगेगा W, जिसको हम कहते हैं वेट, है ना? इसके बाद और कौन सा फोर्स लगेगा? ये जो नीचे की तरफ पुल कर रहा है ये वेट है, और इसके साथ साथ कुछ रिएक्शंस भी लगेंगे। कहाँ पे रिएक्शंस लगेंगे? ये जो व्हील है तो यहाँ पे व्हील में फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स रहेगा ये कौन सा फोर्स रहेगा आपका? रिएक्शंस, है ना? तो व्हील के रिएक्शन हम इस तरीके से ड्रॉन कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं, जब व्हील चलते हैं तो ट्रेन को ऊपर की तरफ पुल करते हैं, है ना? तो जैसे जैसे व्हील चलेगा वैसे वैसे क्या कर रहा होगा, जब ये व्हील इधर से इस तरीके से घूमता है और यहाँ पे ट्रेन है, ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन है, तो अगर ये घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है, आपकी ट्रेन को पुश कर रहा है। पुश कहाँ कर रहा है? आगे की तरफ पुश कर रहा है ना? ऐसे चलते हैं व्हील्स हमेशा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उसको पुश करने का। तो व्हील्स हमेशा अपवर्ड रिएक्शन देते हैं, तो इनका रिएक्शंस आ जाएगा। तो इसको मैं मान लेती हूँ R1, R2, और क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि जब व्हील्स चलेंगे तो एक मोशन है जो इसको अपोज करेगा, और ये मोशन कौन सा रहेगा आपका? फ्रिक्शन मोशन, विच वॉज एक्टिंग टूवर्ड्स द रनिंग ऑफ योर ट्रेन। और कौन सा हमारा यहाँ पे लग सकता है? इसके साथ साथ यहां से चूंकि ट्रेन काफी स्पीड में चलती है ना, तो ट्रेन काफी स्पीड में चलती है तो एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। मैडम एयर रेजिस्टेंस कैसे? अरे आप लोगों ने राइड करी है तो जब आप बाइक राइडिंग करते हैं तो हम लोगों का आदत होती है कि तेज भगानी है, तो जब गाड़ी तेज भगाते हो तो क्या होता है, हवा में आपके कपड़े उड़ते हैं, बाल उड़ते हैं, है ना? वो हवा आपको भी लगती है, आपको अच्छा लगता है, महसूस अच्छा महसूस होता है। तो वही वही जो रेजिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? तो लोकोमोटिव में भी एयर रेजिस्टेंस लगता है तो ये एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो ये सारे फोर्स है, अगर ये सारे फोर्स का समेशन जीरो के बराबर है तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी ट्रेन इक्विलिब्रियम में जा रही है। तो अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट हमेशा कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो रिएक्शंस जो यहाँ पे लग रहे हैं ये रिएक्शंस कहाँ लग रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। वेट नीचे और रिएक्शंस ऊपर पुल कर रहे हैं उसको। तो क्या होगा, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जितना वेट है और ये जो आपके रिएक्शन R1 R2 है ये इस तरीके से लग रहे होंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे अगर टोटल समेशन देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन दो तरीके से लग रहा है,
कौन कौन से? दो तरीके से। एक तो इसके पेरिफेरी पे लग रहा है, ये जो व्हील है तो व्हील के पेरिफेरी पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, जब आगे ट्रेन मूव कर रही होगी तो यहाँ पे व्हील के पेरिफेरी पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। और कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा? जब हमारी ट्रेन जब मूव करती है तो एक तो व्हील के पेरिफेरी पे फ्रिक्शन लगता है, और दूसरा फ्रिक्शन लगता है आपकी ट्रेन और आपकी मोशन, और इसके जब आप ब्रेक लगाते हैं, है ना, तो दूसरा आपका लगता है कब? जब आप ब्रेक लगा रहे हैं या फिर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं इसके लिए, थोड़ा सा स्मूथ, देखो बिल्कुल फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते, अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे तो ये जो ट्रेन अपने ट्रैक पे चल रही है, ये ट्रैक पे ना चल के ये अपनी पोजिशन से कहीं और चली जाएगी, है ना, तो फ्रिक्शन को जीरो भी नहीं करना। और अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया तो फिर जब आप ब्रेक लगाएंगे तब क्या होगा? ब्रेक इजीली नहीं लगेंगे, तो ब्रेक के लिए फ्रिक्शन चाहिए। एक रेजिस्टिव फ्रिक्शन रहता है आपका, और एक आपका फ्रिक्शन ऑफ पेरिफेरी रहता है ना। तो एक रिएक्टिव फ्रिक्शन होता है, एक रेजिस्टिव फ्रिक्शन होता है। रिएक्टिव फ्रिक्शन जो पेरिफेरी पे लग रहा है, और रेजिस्टिव फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जिसके कारण हम ब्रेक लगा पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको और अच्छे से समझे तो ये जो हमारा फ्रिक्शन है, तो ये जो हमारा फ्रिक्शन है इसके साथ साथ जितना भी हमारा लोडिंग है, फ्रिक्शन और लोडिंग, लोडिंग कौन सी लोडिंग की बात कर रहे हैं? हमें भी पता है कि इसके पीछे बहुत सारे डब्बे होंगे, है ना। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन इस तरीके से होना चाहिए और लोडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ये आगे के मोशन को एनहेंस कर सके, है ना, हमारी ट्रेन को आगे मूव कर सके। तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्रिक्शन है और आपका एयर रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक दो इस तरीके से हमें फ्रिक्शन को यूज करना है कि ये रिएक्टिव की जगह रेजिस्टिव बन जाए और हमारे व्हील्स को आगे मूव करने में हेल्प करे। अच्छा, अगर हम व्हील्स की बात कर रहे हैं तो व्हील्स पे मैंने अगर थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये जो हमारा व्हील्स है इस पे ट्रैक्टिव फोर्स इस पे भी लगता है। तो ये जो हमारा व्हील्स है, तो व्हील्स पे जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और ये टेंजेंशियल फोर्स क्या लगता है आपके व्हील पे? इक्वल डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण आपका मोशन होता है आपकी ट्रेन का। तो ये जो आपका फ्रिक्शन और लोडिंग है, ये किसके बराबर होना चाहिए, या ये किसके किससे ज्यादा होना चाहिए? आपके व्हीकल फोर्स के से ज्यादा, है ना, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल फोर्स है इससे के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये क्या रहेगा, एक दूसरे से जीरो रहेगा, है ना। तो इसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानने को मिली हैं। और इसी तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे ब्रेकिंग की बात करी थी, अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन को बढ़ा देती हैं, मान लीजिए कि हमने क्या करा कि हमने कहा ठीक है फ्रिक्शन को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो जब ट्रेन चलेगी तो इसमें बहुत ज्यादा नॉइज आएगी, क्योंकि एक मेटल दूसरे मेटल से रब होगा तो इसमें नॉइज भी आएगी, हीट भी जनरेट होगी, और आगे चांसेस है आग लगने के। तो जब भी हम ट्रेन की डिजाइनिंग करते हैं या ट्रैक की डिजाइनिंग करते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ एक दो चीजों का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो आपका जो भी इंजन है, इंजन की जितनी भी लोडिंग आ रही है उसी को मान करके चल रहे हैं कि यही लोड, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड जब हम डिजाइन करेंगे तो सबसे ज्यादा लोड किसका आएगा? आपका इंजन का आएगा। तो इसी इंजन के लोड को हम मैक्सिमम लोड मानते हैं, फुल ओवर हमारी ट्रेन का, और इसी को हम डिजाइन करते हैं फॉर, जो हम EUDL की बात कर रहे थे इसी को UDL मान करके फर्दर आगे की डिजाइनिंग करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, है ना। थैंक यू।